सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। करनाल के जीटी रोड पर आईटीआई चौक के पास भाटिया मोटर्स में भी अचानक भीषण आग लग गई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसकी वजह से 20 से ज्यादा गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। बता दें, उधर सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। जानकारी के मुताबिक आग सुबह करीब 3 बजे लगी और आग के चलते करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तो बता दें कि भाटिया मोटर्स में ये भीषण आग की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। करनाल का ये पूरा मामला, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो आपको बता दें कि 20 से ज़्यादा गाड़ियां इस आगजनी के दौरान क्षतिग्रस्त हुई हैं, तो करोड़ों के नुकसान की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। तो बता दें कि आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट कारण बताए जा रहे हैं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। तो सुबह 3 बजे की पूरी घटना है, तो शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग चुनी हुई। और आपको बता दें कि 20 से ज्यादा गाड़ियां इस दौरान क्षतिग्रस्त हुई। संवाददाता कमल कुमार का रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। कमल, भाटिया मोटर्स में भीषण आग लगी है, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? जी देखिए आशमा, मैं आपको बता दूं, यहाँ सुबह तकरीबन 3:15 के करीब का मामला है, जो आईटीआई चौक स्थित भाटिया मोटर गैरेज, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट के कारण जो है भीषण आग लग गई और गैराज में मौजूद जो है 2 दर्जन से जो अधिक गाड़ियां जलकर राख हो गई और वहीं फायर। बिल्कुल कमल, जो भाटिया मोटर्स के मालिक है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, कितना नुकसान उनको हुआ इस आगजनी के दौरान? कमल, आप सुन पा रहे हैं? तो लगता है संपर्क हमारा टूट गया है संवाददाता से। आपको बता दें कि फिलहाल ताजा अपडेट यही है कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और करोड़ों के नुकसान का जो है यहाँ पर आशंका जताई जा रही है। तो आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये हादसा हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, करनाल का ये पूरा मामला, भाटिया मोटर्स में ये अचानक भीषण आग लगी जिसमें 20 से ज्यादा जो गाड़ियां हैं वो क्षतिग्रस्त हुई हैं, करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।